योनो SBI के माध्यम से। मान चलिए आपके दोस्त के पास 500 रुपया बकाया है राशि, अगर आप उनसे ऑनलाइन पेमेंट लेना चाहते हैं या तो आप अकाउंट नंबर FSC कोड देते हैं या QR कोड के माध्यम से आप पैसा ले लेते हैं या UPI ID के माध्यम से आप पैसा ले लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा ही तरीका बताने वाला हूं, जैसे कि 500 रुपया आपके दोस्त के पास बकाया है, क्यों नहीं हम 500 रुपया का उनका QR कोड बना के दे दें ताकि जब वो स्कैन करें 500 रुपया ऑटोमेटिक जो है वहाँ पे लिखा आ जाए, तो जो है अमाउंट 500 रुपया इंटर नहीं करना पड़े, वो डायरेक्ट हमको पेमेंट कर सकता है। तो चलिए हम ये योनो SBI के माध्यम से करते हैं और ये 500, 1000, 200, 300 का भी आप QR कोड बना सकते हैं और ये इस वीडियो में हम आपको लाइव भी दिखाने वाले हैं स्कैन करके, ठीक है, कि सच में यहाँ पे 500 रुपया इंटर नहीं करना पड़ता या जो भी है 40-50 रुपये जितना का भी आप QR कोड बनाना चाहते हैं उतना का बन जाएगा। तो सबसे पहले हम योनो SBI को ओपन करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जो है MPIN डाल के इसे ओपन कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे MPIN इंटर कर चुके हैं, उसके बाद यहाँ पे होम पेज पे आ चुके हैं, योनो SBI के होम पेज पे आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पे योनो पे पे क्लिक करेंगे और ऐसा करने के बाद एक ऑप्शन पे और क्लिक करना है, भीम UPI पे। तो यहाँ पे चलिए हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन है रिसीव का, रिसीव के नीचे में एक ऑप्शन है कलेक्ट का, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और ऐसा करने के बाद यहाँ पे आपको आना है QR पे। तो UPI ID के बगल में है QR, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अमाउंट कितने का QR कोड बनाना चाहते हैं, तो चलिए हम यहाँ पे 50 रुपये का QR कोड बनाना चाहते हैं और रिमार्क में आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और ये देखिए आपका QR कोड जनरेट हो चुका है। चाहे तो इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, चाहे तो आपको शेयर भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी आप लेके रख सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं ये स्कैन करके, यहाँ पर हमको अमाउंट डालना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ये हम पे कर सकते हैं इसको। तो स्कैन करने के लिए हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एप्लीकेशन का यूज करेंगे फ़ोन बैंकिंग का। तो यहाँ पे स्कैन एंड पे पे हम क्लिक करेंगे और ऐसा करने के बाद यहाँ पे देखिए एक गैलरी का ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो हम स्क्रीनशॉट लिए हैं उसको यहाँ पर जो हम इसको ले लेते हैं और लेने के बाद यहाँ पे देखिए सर्चिंग होने के बाद यानी कि यह स्कैनिंग होगा, स्कैनिंग होने के बाद यहाँ पे देखिए आ चुका है और कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए अमाउंट ऑटोमेटिक आ चुका है। यहाँ पे देखिए हम कितना भी क्लिक करें कीबोर्ड नहीं आता है, तो इसका यही फ़ायदा है, जितना रुपया का आप QR कोड बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, अगर हम पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर रिमार्क में कुछ भी लिख सकते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे कंफर्म करेंगे और कंफर्म करने के बाद आप हम OTP दे चुके हैं, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और ऐसा करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सफलतापूर्वक जो है ये सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी तरीके से यहाँ पे जो मैंने QR कोड बनाया था उसका यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे आ चुका है। तो आप इस तरीके से जो है योनो SBI के माध्यम से जो है जितने भी रुपया का चाहे उतना रुपया का आप QR कोड बना सकते हैं और किसी दोस्त को किसी को भी आप शेयर कर सकते हैं, जितना आपका बाकी है पैसा उतना आप ले सकते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय हिंद।